How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit, nahi, lad, yeah, lad. Assalamualaikum guys, I'm the great Muhammad Ali and welcome back to another lad video. आज हम बात करेंगे अबाउट लिविंग विद अ मार्क एक्स. तो मार्क एक्स के साथ रहने में आपको क्या क्या मुश्किलात और क्या क्या अच्छाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं. तो आई लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट्स लाइक लिविंग विद अ मार्क एक्स. स्लैट बेबी सब्सक्राइब टू द चैनल. फर्स्ट थिंग जो हम बात करेंगे वो है प्राइस. तो मार्क एक्स की ये है 250G वेरिएंट. तो 250G ये है नॉन ट्रैक्शन वाला वेरिएंट. दिस कम्स अराउंड 2.7 मिलियन से लेके 2.9 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. हमने थोड़ी सी हल्की कंडीशन में ली थी बिकॉज वी वांटेड टू मॉडिफाई द कार. ये आपके सामने आ रही है इसकी पुरानी कंडीशन एंड देन वी वर्कड ऑन इट एंड टर्न दिस इंटू अ नार्डो मार्क एक्स मॉन्स्टर स्लैट. लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशन. सस्पेंशन मार्क एक्स का काफ़ी बेहतर होता है. बट आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पे जितनी सारी मार्क एक्स हैं उनको लोगों ने लोड किया होता है बट नॉट इन कराची. कराची में आप वो लोड वाली गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बेडली रोड्स हैं. उस तरह वाला कोई सीन नहीं करना. लॉट ऑफ यू गाइस सेड कि इसको लोअर करें, लुक आएगा. नहीं चाहिए वैसा लुक. वी नीड टू ड्राइव आवर कार्स. तो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन ऑफ मार्क एक्स बहुत बेहतर है. और मैं अगर बताऊं तो रिलेटिवली जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो गाड़ी ली है वो कितनी चली हुई है. तो सस्पेंशन वाइज दिस कार इज़ 8 out of 10. लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी किट. तो हमने इस गाड़ी में जो बम्पर है फ्रंट बम्पर वो चेंज किया है. देन वी हैव एडेड अ स्पॉयलर इन दिस कार. वो ये छोटू सा स्पॉयलर आपको नज़र आ रहा होगा ये हमने ऐड किया है. देन वी एडेड द बैक एक्सटेंशन. बैक बम्पर पे ये एक्सटेंशंस हैं. इसमें इस गाड़ी में 300G मार्क एक्स के रिम्स लगे हुए हैं. देन हमने इस गाड़ी में रैप किया हुआ है. तो अगर हम बॉडी किट की बात करें तो इसमें बम्पर, फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर एक्सटेंशन और बैक स्पॉयलर लगा हुआ है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मार्क एक्स. ये है नॉन ट्रैक्शन वाली और ये है 250G. ऑल्सो दिस कार इज ट्यून्ड. तो दिस प्रोड्यूसेस अराउंड, ये ज़ाहिर है इसका हमने डायनो नहीं किया हुआ, बट ऑलमोस्ट लाइक 230 और 220 हॉर्स पावर. टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार, गाड़ी बहुत स्टेबल है बट इस तरह की गाड़ियों में यू नीड अपग्रेडेड ब्रेक्स. तो हमने वैसे, टू बी ऑनेस्ट, आई हैवन्ट चेक द एंटायर लिमिट बिकॉज मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी. बिकॉज आई फील लाइक कि हमें इसके ब्रेक्स सबसे पहले अपग्रेड करने हैं. तो परफॉर्मेंस वाइज दिस कार इज़ अ बीस्ट. इट्स अ मॉन्स्टर. और जिसने रेस लगानी है वो आ जाए, उसको विल स्मोक हिम. बट ऑल ऑनेस्टी, परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ ग्रेट कार. अगर हम परफॉर्मेंस में ही फ्यूल एवरेज को भी डाल लेते हैं तो दिस कार गिव्स मी अराउंड 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर. और अगर हम ज़्यादा ज़रा पैर देते हैं, ज़रा पटते हैं गाड़ी को, देन इट गोज अराउंड 7 to 8. लेट्स टॉक अबाउट द कलर ऑफ दिस कार. ये जब हमने गाड़ी ली थी क्या मतलब, ये गाड़ी सिल्वर कलर की है. अगर हम पेंट कराते हैं किसी गाड़ी पे अच्छा पेंट, तो वो होता है ऑलमोस्ट 1 lakh rupees का. उसी पैसों में, ऑलमोस्ट उसी के आसपास पैसों में, यू कैन रैप द कार. तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ रैप बिकॉज कलर सिल्वर इज़ वेरी बोरिंग और बहुत सारी सिल्वर मार्केट घूम रही होती हैं. सो देयर इज नथिंग वन ऑफ वन अबाउट इट. तो आई वेंट फॉर द रैप एंड यू कैन सी माशाल्लाह द ब्यूटिफुल नार्डो ग्रे मार्क एक्स एंड स्मोक लाइट्स. एवरी क्रोम थिंग इज ब्लैक्ड आउट. तो यप, आई वेंट फॉर द रैप. आई पर्सनली लव इट. And I am sure you guys also love it. Okay, so let's talk about the interior of this car. Interior में हमने बहुत ज़्यादा upgrades नहीं की because जो हमारा interior वाला बंदा है वो गया हुआ है interior. इसमें added है एक Android panel and seat covers लगाने, mats लगाने हैं. Then other than that, interior में हमने ख़ास खर्चा नहीं किया हुआ और ये काफ़ी stock condition में interior है. मार्क एक्स के एक दो थोड़े से फॉल्ट्स हैं जो मैं आपको बताता चलूं. इसके जो दरवाज़ा होल्ड करने का जो लिवर, वो उतर जाता है. ये मतलब एक बड़ा नोन फॉल्ट है.
एंड अदर देन दैट डिपेंडिंग ऑन हाउ द कार इज़ यूज, इसका इंटीरियर वैसे रिलेटिवली बहुत ईजिली अवेलेबल भी होता है, तो आप ख़रीद के इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली दिस वन इट्स इन वेरी स्टॉक कंडीशन एंड वी हैव टू अपग्रेड इट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओनिंग अ मार्क एक्स. प्रोज ये हैं कि ये जिन पैसों में आती है ना, इन पैसों में यू गेट अ लॉट ऑफ कार और दैट मनी. वरना अगर हम लेट्स से 3 मिलियन का एवरेज रखें, तो 3 मिलियन में जो अभी हमें गाड़ियाँ मिलती हैं दोज आर नॉट वेरी गुड. सो लेट्स टॉक अबाउट कि 25 लाख रुपए की ऑल्टो होती है, 5 लाख ऊपर डालें यू कैन गेट अ मार्क एक्स. तो इट्स अ लॉट ऑफ कार दैट यू गेट फॉर मनी. येस इट्स अ 17-year-old कार, बट परफॉर्मेंस वाइज देर इज़ नो कार लाइक दिस. लुक्स पूरे हैं. प्रोज एक और भी है कि इसकी रीसेल इज रिलेटिवली वे बेटर देन परफॉर्मेंस. कोई आसपास नहीं है इसके, तो परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी है गाड़ी. लुक्स पूरे हैं, ड्राइव इज अमेजिंग, रीसेल अच्छी है. तो आई थिंक दिस कार टेक्स अ लॉट ऑफ द यू नो चेक्स. कॉन्स की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कार यू आर गेटिंग, इसको बहुत सारे लोग अब्यूज करते हैं चलाते हुए, तो वो काफ़ी खर्चे वर्चे जब निकलना शुरू होते हैं फिर मसला है. तो गाड़ी ऐसी लें जिसमें कम काम हो, ये आपको ढूंढना पड़ेगा. और हैं बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल, बट उसकी फिर वो प्राइस भी लोग उसी तरह मांग रहे होते हैं. कॉन्स की अगर हम एक और बात करें तो इसका फ्यूल एवरेज बहुत वेरी करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप तमीज़ से चलाएंगे तो दिस कार वुड गिव यू 10 to 11, बट अगर आप बहुत पागलों की तरह चलाएंगे और यू नो बहुत क्रेजी रेव्स करेंगे, तो आप एक तो ट्रांसमिशन उड़ा देंगे सबसे पहले. वो आप किसी भी गाड़ी के साथ करेंगे उसका ट्रांसमिशन उड़ेगा. सेकेंडली ये फिर एवरेज देती है 5-6, तो वो आपने अपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के मार्क एक्स को चलाना होता है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर कॉन कि ये गाड़ी है रेयर व्हील. तो होता ये है कि लोग अपनी भावनाओं में ज़रा यू नो निकल जाते हैं आगे पीछे, और वो भगाते हैं, उसके बाद उनको ज़रा स्नैपबाजी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं. तो ये कौन तो नहीं बोलूँगा, अब आप रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करें फिर आप किसी भी हादसे का शिकार नहीं होंगे, बट अगर आप पागलपने करेंगे विथ एनी कार तो चांसेस आर कि यू माइट गेट इन एन एक्सीडेंट. उसके अलावा कौन आई वुड नॉट से, आई डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ कॉन्स इन दिस कार. आई पर्सनली लव इट, दैट्स व्हाई आई हैव इट. सो या गाइस, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल ओनिंग अ मार्क एक्स. अगर आपके और भी सवालात हैं तो कमेंट डाउन बिलो, आई कैन आंसर टू ऑल ऑफ दोज. एंड यप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्लैट बेबी लैट नहीं लैट इस लैट इस इस लैट ये लैट 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 इस लैट ये लैट लैट lad is lad yeah lad is lad is lad is lad, lad. Is lad.